मंत्री इसमें लगा हुआ ही एक घर छोड़ के मेरा घर है, अगर कहीं बैठने को नहीं मिले तो वहाँ खाना पीना सब मिलेगा वहाँ बैठे। मंत्री जी प्रणाम, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। क्या सोए क्या? अच्छा बात कर सकते हैं अभी नहीं कर सकते? अधिकारों की लड़ाई भी विनम्रता से ही लड़ी जाती है, तो मेरे से जो बन पड़ेगा वो सब करूँगा। और पहले भी मैं आप सबके संदर्भ में प्रश्न पूछ चुका हूँ, पर जो आखिरी बात मैं एक लाइन भी कहना चाहता था कि पॉलिटिक्स सार्वजनिक जीवन होती है ताकत का। हम लोग आपकी बातें कर सकते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं विधानसभा में, पर आपके लिए कर जब ही सकते हैं जब हमारे एक कलम में ताकत है, तब तो वो टाइम आता है। करने का मंच नहीं, कोई मरीज आया वो उसकी समस्या बताता है आपको और आप कह दो अभी तो मैं वहाँ व्यस्त हुआ, तो मरीज नाराज होता है। तो इसलिए आप अभी मरीज हो और मैं मेरी बातें कहने लग जाऊंगा तो आप नाराज होंगे। असल बात यह है कि लोकतंत्र में हमने बदलाव के लिए बीजेपी को चुन लिया, मोदी जी को चुन लिया, और जो अंदर से आवाज आती है वही होता है। आप लोगों ने 8 साल 9 साल पहले देखा कि यार कांग्रेस तो करप्ट है, शन के आरोप बहुत लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, राहुल गांधी भी कैपेबल है कि नहीं है ये भी सवाल उठ रहे हैं, तो अपन मोदी जी को चेक करते हैं और वोट देते हैं। यही सब जब भी चुने वो इतने वोट कैसे मिले भाई, 5-5 लाख वोट से सांसद बना तो कैसे बना, मतलब सबने जो सोचा होगा वो। पर इस 5-9 साल का आकलन तो आप सबको करना चाहिए ना वापस, वो भी हमारे ही मोदी जी है, हमारी बीजेपी है, हमारी कांग्रेस है, हमारा ही देश है, हमारी सरकार है, ऐसे ही ये भी शिवराज जी हमारे हैं। इससे पहले कभी तुमने सुना था विधायक कितने हैं? अभी मैं आपके पास आया, मुझे अगर 100 करोड़ रुपए मिलते और मैं मंत्री भी बनता और बदल भी जाता तो यहाँ इतनी ताकत से आप लोगों से बात करता? तो एक ये भावना तुम लोगों की, मतलब पब्लिक आप भी हो उसमें, मैं भी हूँ, ये सब बाहर के भी खड़े हैं, मीडिया से जाएगी वो बात भी, पब्लिक अगर ये सोचेगी नहीं यार जनप्रतिनिधि बिखरे और हम हाथ मीच रहे यार, सरकार है मंत्री एक ही छोटे राज्य में, एक ही छोटे राज्य में नहीं दोनों राज्य में सरकार गिरा दी, विधायक 470 विधायक बिक गए। तो अगर आप लोग रिएक्शन नहीं दोगे तो हम क्या करें? देखो जेब जब काटता ना, जेब किसी की कटी या किसी की काटी? जेब कटी किसी की जिंदगी में? किसकी कटी? नहीं नहीं नहीं, कैसे कटती हो मैं बताऊं? मैंने पूछा है जेब कतरे से कैसे काटते हो तुम जेब? उसने कहा कि भैया पहले हमें जिसकी जेब पे दिमाग होता है कि यार इसमें कुछ निकलेगा, आदमी का चयन करते कि यार ये कैसा है इसका चयन करो, इसके जेब में कुछ है कि नहीं, एकदम फक्कड़ का नहीं काटते। फिर हम देख लेते हैं कि यार ये चयन हो जाता है कि इसका काटना है, तो फिर उसका ध्यान भटकाते, एक आदमी उसका ध्यान भटकाता है, इधर कुछ करेगा उधर कुछ, और नीचे से दूसरा आदमी जेब साफ करेगा किसी भी रूप में, मतलब ध्यान भटका के जेब काटते हैं, मूल भावना। तो तुम लोगों का भी ऐसा ही किया, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पूरी दुनिया घुमा दी,
और महंगाई क्यों हो गई, पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, विधायक क्यों बिक रहा है, करप्शन क्यों बढ़ रहा है, रेगुलर क्यों नहीं हो रहा है। रेगुलर जब कर्मचारियों को रेगुलर भर्ती करो ना, तुम संविधान पे रखा ही क्यों 20 साल में यार। कितने भी है उनको दिखाना है, तो फिर हिंदू मुसलमान की बात बताना है, नफरत की बात, घृणा की बात, एक अनचाहा डर जो दिखाई नहीं आज तक। ये आप सब महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, मैंने एक प्रश्न पूछा, ये बोलना नहीं चाहिए पर बहुत अपने अपने जीवन में उतार के इससे सीखने की बात है। इस साल कितने बलात्कार हुए, तो ये बताया गया है कि 10,569 रेप के केस मध्य प्रदेश में इस साल हुए, मतलब 2021-22 में, ये अभी 22 चल रहा है। तो मैंने पूछा कि कितने रेप ऐसे थे जो परिचितों के थे और कितने ऐसे थे नॉन परिचितों के थे, मतलब एक तरह से आया कोई पकड़ लिया और जबरदस्ती कर दी, तो उसकी संख्या वो वर्गीकृत नहीं कर सकते। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि ऐसे कितने थे जो अदर कास्ट से या अदर धर्म से हुए, तो हिंदू मुसलमान का जो कास्ट इस तरह की जाति थी वो थी केवल 15 से 20, बाकी मिलने जुलने वाले और इस तरह के। पर एक केस ऐसा हो जाता है तो पूरे दुनिया में आग लगाई जाती है अलग अलग तरीके से, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया। अरे गलत काम गलत होता है, कोई करे यार, उसके साथ कोई व्यवहार होना चाहिए। तो ये बता के अनचाही एक तुम लोगों को किसी रूप में जेब काटते थे, दिमागी रूप से जेब। तो भैया ध्यान रखो यार, ये मेरा दर्द भी मैंने बता दिया, ये मेरा दर्द नहीं है, ये देश का आज का दर्द है, सब आपकी हमारी भावी पीढ़ी का दर्द है। मेरे को क्या दर्द पड़ा, अगर मैं मंत्री था और हट गया तो भी कोई काला तो पड़ा नहीं, वैसा ही हो जैसा अभी भी ये PSO मिला है, वो गाड़ी आई है, विधायक जो हूँ वो घर का ही वैसा, तो मतलब अंतर वैसा कुछ नहीं है, पर ये अंतर जरूर है कि जनता परेशान होगी। तराजू एक तरफ अगर पलटा मारती रहेगी तो ये मंत्री जी मेरे से ऐसी बात कर रहे, तुमसे कैसे करेंगे बताओ, ये भी बिके हुए हैं, अब क्या बताऊंगा, तो परेशानी तो है ना। और ऐसा होगा तो हम मुख्यमंत्री से एक हमारा प्रतिनिधि विधायकों का एक बार मिल लेगा आपके समर्थन, ये कर सकते हो अल्टीमेटली आने का बता दें, जो भी नेता बनेगा माइक खुलेगा। मेरा निवेदन इतना ही था कि इसको लेकर एक विधायकों के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं आपके समर्थन में, और दूसरा मैं आज ही उनको एक चिट्ठी भी भेजूंगा, और जहाँ तक हमारा प्रश्न है हम आएंगे तब ऐसा करेंगे। मैं मानता हूँ कि वो हम स्पष्ट करेंगे अभी जब इलेक्शन से पहले ही कि हमारा वक्त आएगा तो हम क्या करेंगे। हमने पहले भी कहा था, मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना था तो PSC के एग्जाम रेगुलर कैसे हो इस पर हमने बहुत प्लानिंग किया था, फिर जितने और रुके हुए थे वो जो संविदा के उसमें भी हमारे यहाँ भी अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक थे उनको भी मैपअप किया गया था कि इनका क्या हो, तो कोशिश जारी हुई थी। पर 15 महीने का समय तो ऐसा ही होता है जैसे शादी के बाद एकदम से मतलब रिजल्ट नहीं निकलता वैसा समय था। तो मैं मानता हूँ कि आप सब मेरी भावना को समझेंगे और हम आपके साथ है, कोई सवाल जवाब हो तो कर सकते हो भाई साहब, आप जिसको भी मेरी बात से कहीं और सवाल क्या तुम करोगे क्या तो मैं उत्तर अच्छे से भी दे सकता हूँ, पर डॉक्टरों में स्वास्थ्यकर्मियों में थोड़ी आवाज़ धीमी रखनी इसलिए। तो मैं आप सबके खूब ढेर सारी शुभकामनाओं का अभिलाषी इसलिए भी हूँ कि मैं आप सबके लिए पहले भी सवाल पूछ चुका हूँ, 3-4-5 बार अगर आप सर्च करोगे तो विधानसभा के उसमें मिलेंगे आप। तो अब ये मैं श्रेय लेने के लिए नहीं आया, पर ये है कि आपके साथ है और आप हमें निर्देश दो कि क्या करना है, हमें एज ए कांग्रेस पार्टी भी और एज ए व्यक्ति भी मेरे लिए भी क्या करना है। नियमित तो बात है कि हम आएंगे तो हम तो आपको बताएंगे कि हम ये करेंगे, पर अदरवाइज तो नहीं लो कुछ बोलूँ तो क्या है कि देखो सार्वजनिक जीवन या ये जो हम जो जीते हैं उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क है, आपके हाथ में ताकत है तो आप कुछ डिलीवर करोगे बाकी लड़ोगे। अभी ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, ये मत देखना है चश्मे से कि मैं कांग्रेस ही खड़ा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि जब तक जी अध्यक्ष जी जीतू पटवारी बोल रहा हूँ, अध्यक्ष जी जीतू नमस्कार, ये अभी मेरी मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने उनके पदाधिकारियों को बुलाया क्या आप लोगों को,
ऐसे पूरे परिस्थिति में आप लोग जो जो कितने दिन से आज तक क्या नहीं करता, तो 12 दिन है, 12 दिन से लगातार अपना ड्यूटी भी जाते हैं, नहीं जाते एकदम यहाँ बैठ गए, तो भी कोई पूछना नहीं आया, आया ही नहीं, कोई नहीं, नेता नहीं है जो आपके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं आए, कोई भी ये प्रभुराम चौधरी जी को फोन लगा निकालो, जेल भेजते तो जरा समाज थे ना क्या कहते हैं, छुट्टियां ले ली स्वास्थ्य विभाग से, कई लोग ऐसे थे जो बीमार पड़ गए, कई लोगों ने किसी प्रकार के कई काम भी किए, कुछ ने बहाने, जब भी जो हमारे ये स्टाफ था जो एक तरह से संविदा पे था, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, NHO NM हो या अलग अलग मलेरिया का हो या स्वास्थ्य कर्मी कोई भी हो, उनने अपनी क्षमताओं से ज्यादा ड्यूटी के समय से डबल डबल काम किया, और ये कहा कि भैया देखो अभी यह आवश्यकता है, हम जो काम कर रहे हैं उसकी मतलब एक मिसाल पेश, और फिर उसके बाद ये सरकार का जो रवैया है, ये मैं समझता हूँ कोई भी सभ्य समाज, मैं कांग्रेस बीजेपी से ये बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सभ्य समाज इसको आत्मसात नहीं कर सकता, न स्वीकारोक्ति दे सकता है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये राजनीतिक बात नहीं हो सकती कि भैया वो बीजेपी है तो बहुत दोषी है, देखो इनने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और हम आएंगे तो एकदम आपके लिए पलक पावड़े बिछा के सोने की रोड बना देंगे, ये बात नहीं है, बात न्याय की, हम भी आएंगे तो अपनी ड्यूटी पर पूरी करेंगे, हम भी आएंगे तो अपना धर्म अदा करेंगे, हम भी आएंगे तो जो आपका हक है अधिकार वो देंगे, और यही काम इनको करना चाहिए, और उसके बाद भी हम लोग विनम्र और एकदम शांतिप्रिय तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, अभी हमें जरूरत है एक भैया से, और मैं जानना चाह रहा था कि